माय यूट्यूब चैनल आर्यन यादव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज के एक और प्यारे से वीडियो में आप लोगों का एकदम स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो मेरा अपलोडिंग टाइम है वीडियो, क्योंकि देखो भाई, कुछ तो ऑडियंस है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, जो मेरे पुराने चैनल पर भी थे और इस चैनल पर भी थे। पहले उनको पता होगा कि जो मेरा रेगुलर वीडियो अपलोडिंग था मॉर्निंग के भाई करेक्ट 7 बजे मैं शेड्यूल लगा देता था, आ जाता था। और इस चैनल पर भी आपने नोटिस किया होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मेरे वीडियोस थे वो 7 बजे ही आपको देखने को मिलते थे। अभी फ़िलहाल में कुछ क्या लगभग मैं जान रहा हूँ 3 या 4 वीडियोस से आपको जो मेरे वीडियोज हैं वो 11 बजे सुबह को देखने को मिल रहे हैं। अब बोलोगे भाई यार, तुम्हारे पे व्यू आते हैं 8, 10, 20, 25 जो भी आते हैं, भाई देखो इसको सुन के ना डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। भाई मैं बताऊं, अगर तुम्हारे 1 व्यू 2 व्यू अगर रियल ऑडियंस है 4 ही या 5 ही है, तो उसके भाई रिस्पेक्ट करो, कदर करो, उनको उन तक ये चीज़ पहुंचानी बहुत ज़रूरी होती है। अब भाई बात करते हैं, अगर कोई भी यूट्यूबर है, आज मान लो बड़े से बड़े लोगों को ही लोग फॉलो करते हैं, भाई जब स्टार्टिंग वो भी किए थे ना, कोई ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट वो मिलियंस में पहुँच गए, डायरेक्ट उनके लाखों में व्यू जाते थे। भाई उनकी भी स्टार्टिंग रेशियो यही रहती है भाई, 50, 100, 150, 200, 250। अब ये करता है क्या, ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पर। भाई मैं बता दूं, रुको भाई, इसी बात पर आज मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर भाई देखो, मैं अभी अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दूं ना, कंटिन्यू 1 to 2 मंथ मैं ट्रैवलिंग कर दूं ना, भाई मैं लोगों की नज़र में मैक्सिमम पीपल मुझे जानने लगेंगे, हाँ भाई ये आर्यन यादव कौन है। अभी भी जानते हैं, बट यार जैसे कि मैं मतलब वैसा कंटेंट चाहिए। मैं जब भाई गोरखपुर से दिल्ली गया था, ये हुआ था मेरा प्लान भाई बस जाएंगे, क्योंकि ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था। तो मैंने भाई सर्च करता था, भाई इंटरसिटी जाती है, गोला बस जाती है, आरएस यादव की जाती है, भाई बसों की कमी ना है गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए। तो सर्च करते हैं ना, ये हमारा प्लान हुआ, चलो भाई इंटरसिटी से चलेंगे, वैसे गोला वाला बेटर है मैं जहाँ तक जानता हूँ। अब अगली बार जाऊँगा भाई बस तो गोला को ही चूज करूँगा, देखता हूँ भाई उस्मान क्या रहता है इंटरसिटी और उस्मान। भाई इंटरसिटी मुझे लगता है ना, एक तरह से आप देखोगे तो वर्थ नहीं है, कुछ हाई प्राइज है। अब भाई मेरा जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था वो देखो वायरल हो रहा है, और उनको थोड़ा लोड हो जाए कंटेंट वंटेंट थंबनेल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा भाई फर्स्ट ब्लॉग था जो कि मैं डाला था 3 महीने पहले, और मैं आपको डेट भी बता दूँ तो जो मेरा डेट, ये वीडियो 5 जुलाई को मैं ये वीडियो अपलोड किया था, ये वाला वीडियो माय फर्स्ट ब्लॉग गोरखपुर टू दिल्ली बाय इंटरसिटी स्मार्ट बस। और टैक्स वगैरह नॉर्मली भाई डाला था, इंटरसिटी बस गोरखपुर टू दिल्ली बस जर्नी माय फर्स्ट ब्लॉग इंस्टाग्राम अकाउंट, एक प्यारा सा डिस्क्लेमर, टैक्स वैक्स कुछ नहीं यूज किया भाई। और देखो जब वीडियो वायरल वाला कंटेंट डालोगे तो वायरल क्यों नहीं होगा, मैं इस पर बता दूँ, जब मैं डाला था तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40-50 व्यू गए थे 2 दिन के अंदर, आज 3 महीने में 648 है। अगर आप यही वीडियो 10 दिन बाद देखोगे, 10 दिन बाद, तो आपको जो है 700-750 व्यू देखने को मिलेंगे। एवरेज व्यू पर डे मैं बता दूं 5-6 इंक्रीज होता रहता है, तो डिपेंड है फुल आपके कंटेंट पर। और बोलो भाई दिल्ली से आए कैसे, डायरेक्ट उसके बाद मैं ये दिल्ली वाले ब्लॉग के सीरीज के बाद मैं एक बर्थडे वाला डाल दिया था, ऐसी रफ ड्राइविंग आपने कभी नहीं देखी होगी। एक्चुअली मैं आया भाई हमसफ़र ट्रेन से, और मेरा मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था, 2-3 क्लिप्स भी बनाई थी, लेकिन मूड भाई पूरा डिस्टर्ब हो गया था, मैं बोला नहीं था, बीच में मेरा काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस था, वो मैटर नहीं था, बस मैटर ये था कि बनाने का शूट करने का मन नहीं किया। अनुज भाई से मैंने बात की, अनुज भाई हमको मोटिवेट करना, कह रहा अरे भाई बनाओ यार, तो खैर वो ट्रेन जर्नी थी, मैंने नहीं बनाया। तो मैं बात कर रहा हूँ ये भाई इंटरसिटी वाली, आप वायरल कंटेंट डालोगे भाई वायरल हो जाओगे। चोर बाजार वाले पे भी अच्छे खासे व्यू चले गए थे, इनिशियल है भाई, इतना तो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। ये कार्तिक की जो डाले थे ओनली वन इन मॉडिफाइड स्प्लेंडर, इस पर भी व्यू बढ़ते रहते हैं, तो ये भाई आपके डिपेंड है, फुली डिपेंड ऑन कंटेंट, तो ये कंटेंट पे डिपेंड। आज वाला ब्लॉग देख लो 8 व्यू गए हैं, शर्मम की बात नहीं है भाई, आज 8 है, साल भर बाद और कुछ जाएंगे। मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट करूंगा भाई, अभी आपको मैं बता दूं, बोर्ड स्टूडेंट हूँ, हाल ही में मेरा एग्जाम्स होने वाला है, तो भाई स्टडी पे भी फोकस करना जरूरी है। इतना बड़ा यूट्यूबर हो तो गया नहीं कि भाई एकदम स्टडी को साइड में फेंक दो, मस्त इसी पे ध्यान दो, बट ये कैरियर है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो भाई अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, मैं 11 बजे अपलोड क्यों किया 7 बजे से छोड़ के। देखो भाई मुझे
वीडियो तो मैं आपको पता है मैं VI का सिम यूज करता हूँ, मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ फ्री का नेट मिलता है, उतना तो भाई मेरे फैन है कि रोज मैं वाउचर करूँ। तो जैसे कि क्या होता है नॉर्मली ये जो डे होते हैं संडे वगैरह, सैटरडे संडे को आपको वही वीकेंड डाटा रिलोवर करके मिलता है, तो उस समय भाई सुबह सुबह नींद नहीं खराब करनी पड़ती, आराम से 6-7 बजे उठता हूँ, जाकर अपलोडिंग कर देता हूँ। इस तरह भाई आंखों में 5 बजे उठ कर, आज भाई जानते हो 5:40 पे उठा हूँ, भग कर गया हूँ, वीडियो अपलोड किया हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझको फेस करना पड़ता है, कोई ना भाई स्ट्रगल है लाइफ में, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा भाई। देखो 11 बजे मुझे अपलोड करने से प्रॉफिट क्या होता है, अपलोड तो भाई उसी टाइम करना है, यही रहता है अगर मैं थंबनेल नहीं बनाया रहता हूँ तो भाई दिन में मैं थंबनेल बना लेता हूँ, कंडो टैग वगैरह जो भी रहते हैं लगा कर अपलोड कर देता हूँ। और जो भाई क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा मॉर्निंग में भी वीडियो नहीं देनी चाहिए, मान लो 7 बजे वीडियो देख दी, अब आप देख ली पूरे दिन बोरिंग होने से लगती है, 11 बजे वाला टाइम मुझे जहाँ तक लगता है वो सही है। मैक्सिमम लोगों को आप देखते होंगे वीडियो सुबह बहुत कम लोग, 8, 8, 9, 10 भी कम है, 11, 2, शाम के 5 बजे, शाम के 7 बजे और शाम के 9 बजे, ये जो टाइम है ना ब्लॉगरों का, मतलब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो जो है इसी टाइम पे लोग, मैक्सिमम यूट्यूबर, और एक बात नहीं कर रहा हूँ जो 10, 7, 6, 5 पे अपलोड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम बंदे इसी टाइम पे अपने ब्लॉग्स अपलोड करते हैं। सुबह के तो 6 बजे कोई नहीं करता यार, 7 बजे आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो मेरी भी कैटेगरी ब्लॉगिंग वाली लाइन है, तो मैं भी क्यों नहीं भाई, उस टाइम क्या होता है ऑडियंस हाँ जानती है, स्क्रॉल करेगी इसका वीडियो आएगा उस वक्त आपको देखने को मिल जाएगा, वायरल हो जाएगा, इससे चांसेस रहते हैं हाँ कहीं ना कहीं आपके वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आ सकते हैं। डेट्स वाई आई एम शिफ्ट ऑन दिस टाइम, मैं उस टाइम पे जो मैं शिफ्ट हुआ हूँ इसी के कारण, और कोई बात नहीं है। और बात कर ले भाई 11 बजे, 11, 11 तो और मेरा एक प्रॉफिट प्लस पॉइंट ए पा जाता हूँ, अगर थंबनेल वगैरह क्रिएटिंग नहीं रहता क्रिएट कर लेता हूँ, सैटरडे संडे को एक अच्छी तरह सो लेता हूँ, नहीं तो 7 बजे वाला फंडा रहता भाई, जल्दी उठ के अपलोड करना ही पड़ता। मैं बोलूँ तो सैटरडे संडे को ना तो 6, 6:30 बजे उठता हूँ, आराम से जाता हूँ, 7-8 बजे वीडियो वगैरह अपलोड कर देता हूँ, थंबनेल वंबनेल लगा देता हूँ, तो ये सीन रहता है, थोड़ी मुझे भी आराम मिल जाता है, एंड जो वह व्यूज का कुछ चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और जब से मैंने इस टाइम पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 11 बजे, थोड़े बहुत तो मुझे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। अब वो ये मिले हैं कि देखो ब्लॉगिंग जो लाइन है, आपका मैक्सिमम कंटेंट तभी वायरल होगा एक ही दिन में, जिस दिन आप ब्लॉग अपलोड करोगे उस दिन जो है वायरल होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं लाइफ स्टाइल ब्लॉग के। अगर ट्रैवलिंग है तो भाई वो तो जिसको इंटरेस्ट रहेगा, अगर अच्छा थंबनेल है तो भाई बंदा तो पक्का उसको क्लिक करके देखेगा ही देखेगा, उसमें भाई कोई दो राय नहीं है। तो यही कुछ मुझे, मतलब कुछ मुझे बेनिफिट थी, और थोड़ा भाई और वीडियो भी उस टाइम अपलोड करने से मुझे अच्छे खासे थोड़े व्यू मिल रहे हैं टाइमिंग की वजह से, और यही कारण था जिसकी वजह से मैं 7 बजे ना अपलोड करके 11 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ये थोड़ी सी एक आपको जानकारी देनी ज़रूरी थी। अब जो ऑडियंस जुड़ी है 4-5 लोग जो मुझसे एकदम कांटेक्ट है फुली, कहीं ना कहीं जैसे मैं ब्लॉग्स देखता हूँ टाइमिंग है उस टाइमिंग पे खोलता हूँ, देखता हूँ भाई का वीडियो आया है या नहीं आया है, उसी तरह आपको भी मैं ये जानकारी देना चाहता था कि जो मेरे वीडियोज हैं वो अब 11 बजे ही आपको देखने को मिलेंगे चाहे कोई भी हो। अगर और कोई बाद में मैं आगे चल के अपडेट करता हूँ तो आपको जरूर ऐसी ऐसी इसी तरह की वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। भाई गला सूख गया है, खैर मेरी जो बातें थी वो भी पूरी हो चुकी हैं। एक्चुअली मैं बता दूँ पानी भी तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा पीता है, एंड कंटिन्यू बोला हूँ 6-7 मिनट, अभी उतना आदत नहीं है, ऊपर से प्यास लग गई। तो खैर जो मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो तो मैं दे दिया हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो वीडियो देखना अच्छे लग रहा है तो भाई एक सब्सक्राइब कर दो, और अगर शेयर कर सकते हो भाई शेयर भी कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई ऐसे वीडियोज बनाने में। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।